तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर 13th लेक्चर ऑफ हीट। आज हम लोग हीट में पढ़ने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। आज हम लोग लास्ट क्लास में हमने कंडक्शन खत्म किया था, क्वेश्चंस भी खत्म हुए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका, जो कंडक्शन से पूछेगा या तो रेडिएशन से पूछेगा, दोनों में से कोई एक तो पूछेगा। तो मिला जुला के रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ईजी भी है, कोई खास ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़े बहुत कैलकुलेटिव हो सकते हैं। टुडेज डेट इज 28 जैन। तो बच्चों मैं सबसे पहले रिकॉल करता हूँ एक बार लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ा था, ठीक है। वो जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने रेडिएशन के बारे में क्या पढ़ा था। बच्चों याद करो, मैंने रेडिएशन के बारे में बताया था सीधा सीधा, इट इज अ हीट ट्रांसफर विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, मतलब ऐसा हीट ट्रांसफर जहां कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा हो, क्लियर। अब ये हीट ट्रांसफर कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे फ्लो करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या नॉर्मल रेडिएशन, क्लियर है। अगर इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था तो हमने बोला था इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हमने हमने उसके बाद पढ़ने की कोशिश की थी कि एक बॉडी पे अगर हीट फॉल करता है तो कैसे इंटरेक्ट करता है, हीट फॉल करेगा तो कैसे इंटरेक्ट करेगा, इसके लिए देखा था हमने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो बच्चों मैंने बताया था कि एक क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर इस सर्फेस पे फॉल कर रहा है तो इसके तीन पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है जो हीट रिफ्लेक्ट हो जाए, एक जो हीट एब्जॉर्ब हो जाए और एक जो हीट ट्रांसमिट हो जाए। तीन पार्ट्स हमने डिवाइड किया था, कुल मिला के क्यू वॉज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए, क्लियर है। क्यू ए तीन पार्ट में हीट डिवाइडेड है मेरे, ठीक है। अब हमने इसके बारे में बताया था, तीन टर्म्स बात किए थे, क्या बात किया था, रैट आर ए टी, रैट मतलब रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस कितना था क्यू आर बाई टोटल हीट, एब्जॉर्बेंस कितना था क्यू ए बाई टोटल हीट और ट्रांसमिटेंस कितना था क्यू टी बाई टोटल हीट। फिर मैंने बताया था कि किसी भी बॉडी में आर प्लस ए प्लस टी तीनों के फ्रैक्शन का रेशियो का फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, सम क्या होता है, वन। मैंने बताया था कि फॉर ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं हम लोग जिस जो 100% ऑलमोस्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो अगर ब्लैक बॉडी की बात हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि ए का वैल्यू जो हो जाएगा वन, ऑब्वियसली आर और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। अगर मैं बात करूं एक सिल्वर्ड बॉडी की खासियत क्या होती है कि ऑलमोस्ट ये 100% रिफ्लेक्ट करता है, तो सिल्वर्ड बॉडी में क्या मान सकते हैं, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, तो ए और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो ये हर बॉडी हीट को अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। हर बॉडी हीट को अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। रितु ने बोला है कि सर ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी है, बिल्कुल ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी इसीलिए कहते हैं कि इट कैन एब्जॉर्ब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अगर डेफिनेशन से जाओ तो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों आज हम ना कुछ नए नए टर्म्स पढ़ेंगे और ये टर्म्स याद रखना है, इस चैप्टर में कुछ बहुत बड़े नहीं है लेकिन आप पढ़ने होते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन पे जाना है तो बच्चों सबसे जो पहला टर्म है वो है एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या होता है, तो अगर एमिसिव पावर को बच्चों मैं डिफाइन करूं तो उसका डेफिनेशन थोड़ा जानना आपने को जरूरी है। एमिसिव पावर क्या होता है, तो अगर इसको डिफाइन कर सकता हूं, इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहीं से शुरू करना है आज का क्लास, डिफाइन करके लिखना शुरू करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया
एरिया पर यूनिट टाइम एट सर्टेन टेम्परेचर एट सर्टेन टेम्परेचर। ध्यान से बच्चों, ये बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स है जो बहुत काम आने वाले अपने को। मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी रैंडम सी बॉडी है मेरे पास, ठीक, रैंडम सी बॉडी है जो हीट को एमिट कर रहा है, जो हीट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, कुछ हीट को एमिट कर रहा है। मान लिए कुछ हीट एमिट कर रहा है क्यू, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया जो है ए, ठीक, और मान लेते हैं कि ये टी टाइम में इतना अमाउंट ऑफ हीट एमिट कर रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर मान लेते हैं कि कुछ कैपिटल टी केल्विन है। तो हम बात करते हैं कि एट टी केल्विन, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो एमिसिव पावर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल ई से, कैपिटल ई से, emissive power is equal to amount of heat emitted per unit area per unit time. Clear है क्या? Per unit area per unit time. अगर आप इसके unit के लिहाज से जाएं, अगर आप इसको unit से देखें, unit से अगर आप देखें, तो unit होगा इसका heat energy per unit time watt, watt per meter square. बच्चों जल्दी से लिख लो, ये छोटे छोटे डेफिनेशन से अपने को लिखने हैं। एमिसिव पावर यानी किसी भी बॉडी की किसी टेम्परेचर पे एमिट करने की कैपेसिटी को कहते हैं एमिसिव पावर। क्लियर है? एमिसिव पावर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट कैन एमिट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं हम लोग एमिसिव पावर। सो कहते हैं एमिसिव पावर। ऋतु अनास्था जस्ट अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। सर सर रेडिएशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आएंगे, मैंने एक बात तो आपको दिख गई होगी आज तक कि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। यस सर। तो यहाँ से टेम्परेचर का फंडा तो आता है, तो मैं समझाता हूँ, अपना लिखिए कि टेम्परेचर का फंडा भी समझाता हूँ और किसका ज्यादा होता है भी समझाता हूँ। दो सवाल आए, जो आस्था ने सवाल पूछा उससे एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। एक है कि क्या टेम्परेचर पे एमिट करने की कैपेसिटी डिपेंड करती है, तो बिल्कुल डिपेंड करती है, ठीक है, बिल्कुल डिपेंड करती है। एमिट ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एमिट करने की कैपेसिटी होगी। दूसरा जो बात होती है कि क्या एमिट करने में सबसे ज्यादा कौन एमिट करता है, तो याद रखिएगा एट एनी सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम एमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम एमिसिव पावर होगा, हैज मैक्सिमम एमिसिव पावर, बच्चों सबसे ज्यादा कौन एमिट करेगा, तो ब्लैक बॉडी। याद रखिएगा किसी भी टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एमिसिव पावर जो होगा वो ब्लैक बॉडी का होगा। क्लियर है? विवांशु ने पूछा सर कौन सा थीटा होगा, थीटा तो मैंने बात ही नहीं किया यहाँ पे विवांशु, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया है बस कल, ठीक है। तो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम होगा, और याद रखते हैं हम लोग एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईबी से। और याद रखिएगा किसी वक्त भी ई जो होगा किसी भी नॉर्मल बॉडी का, वो ब्लैक बॉडी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? मृगांक, ब्लैक बॉडी
एब्जॉर्ब भी करता है और ब्लैक बॉडी एमिट भी करता है। याद रखिएगा, एमिशन भी ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम होता है और एब्जॉर्प्शन भी ब्लैक बॉडी का मैक्सिमम होता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है कि सर अभी तक हम ब्लैक बॉडी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से जज कर रहे थे, लेकिन याद रखिएगा कि एमिट करने की कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा ब्लैक बॉडी के पास ही होती है। और क्यों दोनों एक साथ कैसे रिलेटेड है, इसको लेकर के हमें एक आगे लॉ पढ़ना है जिसमें हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि किसी भी टेम्परेचर पे नॉर्मल बॉडी का एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी से तो पक्का कम ही होगा, क्लियर है। ब्लैक बॉडी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। अंजलि, ब्लैक बॉडी का बिल्कुल भी मतलब ब्लैक कलर से नहीं है। अंजलि, मैं आप लोगों बच्चों बहुत क्लियर बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिए। ब्लैक बॉडी का मतलब बिल्कुल भी ब्लैक कलर से लेना देना नहीं है। यस, ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स मोर, पर वो ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी आप एक नाम समझो, नाउन समझो, जो दिया गया है उन बॉडीज को जो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब और एमिट कर सकते हैं, क्लियर है। अदर्स इज ऑन द राइट ट्रैक। तो अंजलि, आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ब्लैक बॉडी इज जस्ट अ सिनोनिम, नॉट अ ब्लैक लिटरल मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी, मतलब काला बॉडी ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों अभी तक मैंने क्या बताया, मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास दूसरी बॉडी है, हम दोनों का एमिसिव पावर किसी 30 डिग्री सेल्सियस पे निकाले, हमने निकाला, इसका निकाला तो इसका आया 10 आया, इसका आया 20 आया। लेकिन हमने इसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का देखा तो देखा कि ब्लैक बॉडी का इन दोनों से ज्यादा होगा, क्लियर है। तो ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर जो होगा किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, वो दोनों बॉडी से क्या होगा, ज्यादा होगा। श्रेया ने एक सवाल पूछा है कि सर टेम्परेचर को के लिखे हैं तो थीटा इक्वल्स टू के लिख सकते हैं क्या? नहीं यार, टेम्परेचर केल्विन लिखा है श्रेया, क्या बात कर रहे हो, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन लिखा है, टेम्परेचर टी के जगह थीटा कहीं कहीं लिख देते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड श्रेया। कई जगह हम टेम्परेचर को टी के जगह डेल्टा थीटा लिखते हैं, केल्विन तो यूनिट है इसका। बच्चों जल्दी से लिख लो, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स टाइम, देन एक नया टर्म पे आएंगे, बेसिक टर्म, धीरे धीरे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट होता जाएगा, डोंट वरी। अभी आपने पढ़ा एमिसिव पावर, नोट्स इसका बना लो, कि कहानी है थोड़ी बहुत इसमें, फॉर्मूला तो दो ही है इसमें। लिख लिया बच्चों, एक टर्म आता है एमिसिविटी। ये एमिसिविटी क्या होता है, एमिसिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई, सर ये टर्म आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा टर्म यही यूज होने वाला है। तो एमिसिविटी सिंपल, अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं तो एमिसिविटी ई इज इक्वल टू कहते हैं एमिसिव पावर ऑफ बॉडी एट टी केल्विन, टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, एट टी केल्विन डिवाइडेड बाई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी मतलब सिंपल से अगर मैं बात करूं, सिंपल से बात करूं तो ई इज इक्वल टू एमिसिव पावर किसी बॉडी का बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, सीधा सीधा। अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ई हमेशा ईबी से कम होता है, याद रखिएगा, एमिसिविटी को हमने कंपेयर कर दिया ब्लैक बॉडी से। तो क्या यहाँ पे एमिसिविटी जो है उसका अगर यूनिट देखने जाए तो क्या इसका नो यूनिट नहीं होगा? और मैं बोलूं इसका यूनिट की बात करूं तो क्या इसका यूनिट में लिख सकते हैं क्या, नो यूनिट। और क्या ये भी कह सकते हैं क्या कि ई का वैल्यू जो होगा वो हमेशा एक से कम होगा, ई का वैल्यू जो होगा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्या बच्चों ये क्लियर है क्या? देखो हमने बोला कि ब्लैक बॉडी का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ब्लैक बॉडी का सबसे ज्यादा होता है, हमने ब्लैक बॉडी को एक स्टैंडर्ड मान लिया।
और हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर लिया। किसी बॉडी का मान लो एमिसिव पावर 10 आया और ब्लैक बॉडी का उसी टेम्परेचर पे 40 है, तो उसका एमिसिविटी कितना होगा, 10/40 यानी 1/4। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी को हमने कंपेयर कर दिया एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी से। जैसे होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लेते थे, यहां पे हमारा स्टैंडर्ड है ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, एमिसिविटी टर्म यूज होगा बार बार हमारे लिए। तो एक तो एमिसिव पावर पढ़ा और उसी का रेशियो पढ़ लिया ब्लैक बॉडी के साथ एमिसिविटी। हर बॉडी का अपना अपना एमिसिविटी होता है एट सर्टेन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर बदला सब बदल जाएगा। ई का वैल्यू में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, ई का वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ई का वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा एमिसिविटी का वैल्यू। जल्दी लिख लो बच्चों। तो क्यों पढ़ रहे हैं वो 10 मिनट के बाद आपको समझ में आने लगेगा। गुड सोनिया, लेट्स सी बाकी लोग कर लेते हैं। 30 सेकंड का टाइम और देता हूं मैं आप लोगों को। एटलीस्ट टर्म्स पे अपना होल्ड हो अच्छे से, क्या है टर्म्स। गुड बच्चों, अगला टर्म है एब्जॉर्बिंग पावर। बच्चों ये कहने की जरूरत नहीं है कि नाम से क्लियर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एब्जॉर्बिंग पावर पे आते हैं, लिख सकते हैं बोल के वेट करूं। चलो ठीक है, लिख लो। जल्दी लिख लीजिए। डेफिनेशन में कोई नहीं है, एमिसिव पावर की तरह ही है। क्लियर है बच्चों? कोई नया डेफिनेशन है? एब्जॉर्बिंग पावर का डेफिनेशन क्या लिखा है? इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। बिल्कुल एमिसिव पावर की तरह, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट सर्टेन टेम्परेचर। क्लियर है? एब्जॉर्बिंग पावर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्लियर है? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और गौर से देखिए तो लिख सकते हैं कि अगर इसमें भी ले लें हम लोग, एक बॉडी अज्यूम कर ले हम लोग और मान लीजिए क्यू है, ये इसका एरिया है, ये टाइम टी है, ये टेम्परेचर कैपिटल टी केल्विन है। तो लिख सकते हैं हम लोग एट टेम्परेचर टी केल्विन, टी केल्विन ए इक्वल्स टू क्यू बाई ए इंटू टी। अभी एब्जॉर्बेंस को हम लोग को एब्जॉर्बेंस को जल्दी हम लोग स्मॉल ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग टू डू बेटर, ठीक है। स्मॉल ए क्यू बाई ए इंटू टी, यूनिट क्या होगा इसका? कोई ये मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं होगा बहुत ज्यादा, बट स्टिल। चले बच्चों जल्दी लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अब लॉस पे जाएंगे, क्योंकि लॉस ही समझ में आएगा जो हमने टर्म पढ़ा उसका यूज क्या है। जल्दी नोट कर ले, एमिसिव पावर की तरह ही है बिल्कुल ये।
क्लियर? नहीं दिल्ली, साइन कोई कोई साइन यूज नहीं करना, यूज ही नहीं होना है टर्म, ये टर्म कहीं यूज ही नहीं होना, तो साइन की जरूरत ही नहीं पड़नी है। एक 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 टर्म आ सकता है कभी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी का पावर यूज हो रहा हो मतलब कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, इट विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर। आई होप सबने लिख लिया होगा। लिख लिया बच्चों? सिमरन देखो, सिमरन इसका कोई रिप्रेजेंटेशन जनरली स्मॉलेस्ट इसलिए हमने किया है क्योंकि हमने कैपिटल ए को एरिया मान रखा था, और कोई रीजन नहीं है इसका, वरना बेटर होता है कि हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है बच्चों? लेट्स गो अहेड। और आज हम लोग इसका पहला लॉ पढ़ते हैं बच्चों। रेडिएशन को समझने के लिए कई सारे लॉज दिए गए, ठीक है, और हर लॉ का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इस लॉ में जो सबसे पहला लॉ है वो है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब जनरली हम यहाँ पे दो प्रोसेस की बात करने वाले हैं, एक बात करने वाले हैं एमिशन की, दूसरा बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन की। तो ये प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज क्या कहता है बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं फिर समझाता हूं इसको। तो प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कहता है, लिखवा देता हूं स्टेटमेंट, it states that emission and absorption in a body is continuous and simultaneous process. बच्चों समझते हैं, बड़ी बात कह दी। इसने कहा कि मान लीजिए कोई मेरे पास एक बॉडी है, कोई भी रैंडम बॉडी की बात कर रहा हूं विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी आपके पास रैंडम बॉडी है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे टी केल्विन पे, क्लियर है, टी केल्विन पे, तो इस पे एक साथ दो प्रोसेस चल रहा होगा। क्या क्या चल रहा होगा? एक साथ इसके अंदर आपका एमिशन भी चल रहा होगा और उसी वक्त इसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी चल रहा होगा। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों चल रहा होगा। याद रखिएगा कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन किसी बॉडी पे हमेशा चलता रहता है। मान लो मैं इस अगर इस इसकी बात करूं, ये मेरा एक फोन है, तो इस फोन के बारे में अगर रियलिटी बताओ, प्रीवोस्ट कहता है कि ये बॉडी कंटिन्यूअसली हीट एमिट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो बच्चों आपका थॉट क्या था कि ना ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ना ही ये बॉडी हीट रिलीज कर रहा है, और ये बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। प्रीवोस्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रीवोस्ट ने कहा कि ये बॉडी भले कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, लेकिन बॉडी हीट एमिट भी कर रहा है उस वक्त और हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है। अगर हीट एमिटेड ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। यानी प्रीवोस्ट ने कहा कि ई और ए दोनों एक साथ हो रहा है। अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर ई जो है, अगर ई ए के इक्वल है, यानी एमिशन एब्जॉर्प्शन के इक्वल है, इसका मतलब है कि बॉडी जो है एट थर्मल इक्विलिब्रियम, बॉडी एट
थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा बच्चों कि हम लोग बॉडी को ये नहीं मानेंगे कि हीट ही फ्लो नहीं हो रहा, बॉडी में मानेंगे कि जितना एमिट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसको कह सकते हैं कि बॉडी एट थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगला केस लेते हैं, मैंने केस वन लिया। अगला केस लिया, केस टू लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपका अगर एमिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन से ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी लूज ज्यादा हो रहा है और गेन कम हो रहा है। इस केस में हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर वुड फॉल, टेम्परेचर टी डिक्रीजेस। केस थ्री लेते हैं, बच्चों अगर मेरा एमिशन कम है और एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर? याद रखिएगा कि ई ए से बड़ा एमिशन ज्यादा तो एनर्जी कम, टेम्परेचर घटेगा, एमिशन कम तो टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर है क्या? तो कुल मिला के प्रीवोस्ट ने कहा कि कोई बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, इसका मतलब नहीं है कि हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि एमिट जितना हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है। यानी जो सबसे बड़ी बात प्रीवोस्ट ने एस्टैब्लिश की कि हर बॉडी रेडिएशन को एमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर बॉडी एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों करेगा हर वक्त, और दोनों एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये ब्रेक नहीं होता है। इज दिस क्लियर बच्चों? प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज ने एक बात साबित किया कि कोई भी रैंडम बॉडी, हम खुद भी एक बॉडी हैं, तो हम खुद भी हमेशा हीट को एमिट करते हैं और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारे और एटमोस्फेयर के बीच हीट का ट्रांसफर चलता रहता है, लेकिन हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका सवाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अगर 10 जूल एनर्जी एक्सचेंज में एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 10 जूल एनर्जी अपना बॉडी से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि मेरी बॉडी में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये गलत स्टेटमेंट होगा। श्रेयांश, ये कंटिन्यू, ये विदाउट एनी एक्सेप्शन ये हर जगह होगा। ये श्रेयांश सिंह ने एक स्टेटमेंट कहा, मैं इसे अग्री नहीं करता। श्रेया ने कहा कि सर एमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसा, कोई लेना देना नहीं है, प्रोसेस है कि ऑब्वियसली एमिशन ज्यादा होगा तो हीट लूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर फॉल करेगा, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट कहना बिल्कुल ही गलत है। जल्दी से लिख लो बच्चों, तो ये था प्रीवोस्ट थ्योरी, पहली थ्योरी थी हीट ट्रांसफर को लेकर, रेडिएशन को लेकर के, वो था प्रीवोस्ट का। और ये कुछ मैथमेटिकल नहीं है, बस समझने की चीज है कि एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। राहुल, ये पता लगेगा अभी, इसको मैथमेटिकली भी हम लेके आएंगे, इसको मैथमेटिकली भी लेके आएंगे, डोंट वरी। ये तो अभी अभी तो खाली इसको थ्योरी दिया है ना कि एमिशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना होगा ये भी पता करेंगे हम लोग, और इसके लिए भी लॉ दिया हुआ है। बच्चों अगला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, हैंड रेज किया। बोलिए आस्था ऋतु। सर जैसे आप बताएं कि ऊपर स्लाइड कीजिए सर, इसमें आप बताएं तो सन जो होता है वो ज्यादा नहीं हीट करता है एब्जॉर्ब, तो उसका टेंप मतलब वो ज्यादा हीट ना देता है। सन का क्या, कहां से हमने बात किया यहाँ पे, तो मैंने बात नहीं की, आप बताइए क्या, क्यों पूछ रहे हैं सन के बारे में?
सर वो भी तो ना, आप बोले हर बॉडी तो सन भी तो रेडिएशन देता है ना। इमिट करता है, बिल्कुल सही बात है, हाँ तो वो एब्जॉर्ब से ज्यादा इमिट करता है ना, एक बात मान लिया। तो तो मतलब सन के बारे में क्या, सन के टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ सर नॉनसेंस सवाल है फिर तो ये। तो यहाँ पे लिखवाए है ना सन, कि इमिशन ज्यादा होगा अगर एब्जॉर्प्शन से, तो मैं कह रहा हूं कि आप ये कैसे मान रहे हैं कि सन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है? क्या लॉजिक है इसके पीछे आपके पास? एमिशन हो रहा है सन में, आप मानते हैं, हाँ ये कैसे मान लिया एब्जॉर्प्शन सन में नहीं हो रहा है? अच्छा, कौन सा लॉजिक मैंने बताया कि पता चला इसे कि सन में एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है? कोई लॉजिक नहीं मैंने बताया, दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सन में ओके एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एमिशन भी हो रहा है। मैं ये लॉ आपको बहुत क्लियर कर दूं, इट इज, दिस लॉ इज वैलिड फॉर एवरी बॉडी, हर बॉडी के लिए वैलिड है, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, ठीक है। बच्चों देखते हैं, हम लोग बात करते हैं अगले लॉ के बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ के बारे में बात करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ ने एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं की, किरचॉफ लॉ ने सिंपल सी बात कही कि कोई बॉडी अगर मैं बोलूं कि जो अच्छा एमिटर होगा, उन्होंने कहा कि कोई बॉडी जो बहुत अच्छा एमिटर होगा वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। यही सवाल पे पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर आपने ब्लैक बॉडी को अच्छा एमिटर कैसे बोल दिया, मृगांक ने पूछा था, समझो बात को। किरचॉफ लॉ इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो किरचॉफ लॉ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। किरचॉफ लॉ ने कहा, इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट आई गॉट डिसकनेक्शन। चेकिंग माई इंटरनेट कनेक्शन, आई थिंक इट्स सेफ, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट, बच्चों ठीक है, देखते हैं। इट स्टेट्स दैट, किरचॉफ लॉ का क्या था कि इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्शन पावर एट अ सर्टेन टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। बच्चों ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये लॉ क्या कहता है। इसने कहा किसी भी बॉडी पे जो एमिसिव पावर है और एब्जॉर्प्शन पावर है, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ये बड़ी बात थी, इसको हम लोग मैथमेटिकली लाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एमिसिव पावर जो है वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, और हमने अभी देखा कि एब्जॉर्प्शन पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। तो किरचॉफ ने कहा कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं ई एट अ सर्टेन टेम्परेचर ई बाई ए जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। पुलकित मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको टाइम दूंगा उसको करने के लिए, भी पढ़ते हैं। तो किरचॉफ लॉ ने कहा कि किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे ई बाई ए जो होगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये ई बाई ए क्या है, एमिसिव पावर बाई एब्जॉर्प्शन पावर किसी भी बॉडी पे। तो उसी वक्त पे, उसी टेम्परेचर पे अगर मैं देखूं, फॉर ब्लैक बॉडी अगर देखूं, फॉर मैं ब्लैक बॉडी देखूं तो ब्लैक बॉडी के लिए कितना हो जाएगा रेशियो, हो जाएगा
ब्लैक बॉडी के लिए हो जाएगा ई बी बाई एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ बी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन द हाइंडसाइट कि ई बाई ए जो होगा, ई बाई ए जो होगा वो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बाई एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी भी हम लोग कह सकते हैं। खैर, ये एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये रही कि इसने हमने कहा कि ये E by A कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बच्चों ये नहीं कह सकते कि E would be directly proportional to A? कोई बॉडी किसी टेम्परेचर पे जो होगा वो E जो होगा वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहीं से रिलेशन साबित होता है एमिशन का और एब्जॉर्प्शन का, कि जो बच्चे जो जो बॉडी के पास अच्छा एमिशन पावर होगा उस बॉडी के पास ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर भी होगा। यानी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रहा होता है, अ गुड एमिटर इज ऑल्सो अ गुड एब्जॉर्बर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो बॉडी एक अच्छा एमिटर होगा वो साथ साथ अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। क्या ये बच्चों क्लियर है? किरचॉफ ने रिलेशनशिप साबित किया एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के बीच में और एमिशन कैपेसिटी के बीच में, और उन्होंने साबित किया कि जो बॉडी अच्छा एमिटर होगा वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होगा। जल्दी नोट कर ले। मैं इसका श्रेयांश एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर सबसे बढ़िया है तो वो है ब्लैक बॉडी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो क्या है? ब्लैक बॉडी हमारा अगर बेस्ट एब्जॉर्बर है तो बेस्ट एमिटर भी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एमिशन में भी इसका एग्जांपल दिया था कि सबसे ज्यादा एमिशन ब्लैक बॉडी का होता है। तो ब्लैक बॉडी का एमिशन भी सबसे ज्यादा होता है और एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? जो बॉडी के पास एमिट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके पास एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। जल्दी नोट करें इसको। शायद इसका एग्जांपल देखना है तो हम लोग एक डार्क क्लोथ्स को ले सकते हैं। जो हमारा डार्क क्लोथ होता है श्रेयांश, वो डार्क क्लोथ की कैपेसिटी क्या होती है? अब घर में लोग क्या गर्मियों में नहीं कहते कि डार्क क्लोथ मत पहनो? क्या घर में सुना है कभी कहते हुए लोगों ने? क्या सुना है सब लोगों ने कि कभी घर वाले कहते हैं कि लाइट कलर के कपड़े पहनो थोड़ा गर्मियों में बाहर निकलो तब? यानी लोग कहते हैं ठीक है, बिल्कुल। ऋतु और आस्था ने एक पॉइंट कहा है कि सर सन इज अ गुड एमिटर एज वेल एज गुड ऑब्जर्वर। बिल्कुल सही बात है, जो बॉडी एक अच्छा एमिटर होगा वो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी अपने आप होगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। श्रेयांश, ये दोनों एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जो बॉडी ज्यादा एमिट करने के वजह से, खुद सोचो कि एक बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। अगर मान लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, मान लीजिए कोई एक बॉडी को थर्मल, मान लीजिए कि एक बॉडी को कोई चीज, मान लीजिए सन का तो कोई एग्जांपल ही नहीं बन चुका, वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन सन। हम एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं पहले तो, ठीक है? मैं एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए एक नॉर्मल बॉडी जो है वो एमिट ज्यादा कर रहा है, तो अगर उसको थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा तो क्या वो एब्जॉर्ब भी ज्यादा नहीं करेगा क्या? बोलिए। ठीक है, अच्छा, एक एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता क्यों है? गौर से देखो, एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ क्यों होता है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास एक है 0°C पे बॉडी है और एक 100°C पे, ठीक? तो याद रखिएगा कि जो हीट एब्जॉर्ब होता है वो एटमोसफेयर की वजह से होता है, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक, क्लियर है? लेकिन जो एमिट होता है वो बॉडी के टेम्परेचर की वजह से होता है, तो बॉडी का टेम्परेचर काफी कम है। ठीक है, मैं पुलकित कह रहा हूं टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल होगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक बात है? तो टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर तब तो आपको एमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
मैं कह रहा हूं कि मैं दो बातें कही, एक लॉ ने कहा कि दोनों साथ साथ होगा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन विल बी डन साइमल्टेनियसली। दूसरे ने कहा कि जितना ज्यादा एमिशन होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। यही दो सिंपल लॉ दिए गए कि दोनों साथ में होगा और एक ज्यादा होगा तो दूसरा भी ज्यादा होगा। क्लियर है? अभी तक प्रीवोस्ट और किरचॉफ ने ये लॉ के यही मतलब है, जल्दी नोट कर लो, देन विल मूव अहेड टू एमिशन बाय ए ब्लैक बॉडी। शेंस, व्हाट द एग्जैक्ट प्रूफ यू हैव कि एमिशन टेंपरेचर इंक्रीज करता है? शेंस, जस्ट लेट मी नो कि आर वी नॉट एज्यूमिंग और वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस। मुझे आप बताओ श्रेयांश, हाउ डू वी नो कि सन जो होता है, सन के टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज जनरली सन के बारे में अजम्पशन है, प्रूफ नहीं है। सन मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, जल्दी नोट कर लो बच्चों, फिर मूवमेंट। मैं एक जनरल बॉडी की बात करूं, सन पे जाते हो देन आगे बहुत चीजें आएंगे। फिर उसमें सन में हमेशा कंटिन्यूस एनर्जी प्रोड्यूस भी हो रहा है। अगर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, अ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर, सीधा सीधा। एंड ब्लैक बॉडी इज बेस्ट एमिटर एंड बेस्ट एब्जॉर्बर एज वेल। किसी टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा एमिशन एब्जॉर्प्शन कोई कर सकता है वह है ब्लैक बॉडी, या इसका रिवर्स भी ट्रू है, जो सबसे ज्यादा एमिशन एब्जॉर्प्शन करेगा उसको हम ब्लैक बॉडी कहेंगे। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव अहेड देन, आगे बढ़ते हैं और हमने अपने एक टॉपिक पे बढ़ते हैं, एमिशन बाय ब्लैक बॉडी। अब हमारा फोकस सारे बॉडी को छोड़ करके थोड़ा ब्लैक बॉडी की तरफ बढ़ेगा हमारा, ठीक है? देखते हैं। अच्छा, जब मैं ब्लैक बॉडी का जब नाम लिखता हूं ना यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज जो निकल के आता है मैथमेटिकली, वो निकल के आता है कि इसकी एमिसिविटी जो होगी, ई का वैल्यू याद करो, एमिसिविटी, ई का वैल्यू जो होगा इसके लिए क्या होगा, 1 होगा। मेरे दिमाग में जो पहला चीज निकल के आता है वो निकल के आता है कि एमिसिविटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं इसको देख के बताऊं तो एमिसिविटी का मैंने बताया था फॉर्मूला, एमिसिविटी क्या होता है, ई बाई ई बी होता है। ब्लैक बॉडी के लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर है? तो हमने बोला इसका एमिसिविटी क्या होगा, 1। ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि आखिर एक ब्लैक बॉडी करता क्या है और कैसे एमिट करता है। बच्चों ये समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ठीक है? थोड़ा थियोरेटिकल भी कह सकते हो। तो होता क्या है कि एक मान लेते हैं कि एक ब्लैक बॉडी है मेरे पास, कुछ रैंडम, ब्लैक बॉडी है, और मान लेते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर टी के लिए, सर्टेन टेम्परेचर टी के लिए एक ब्लैक बॉडी है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक की हमारी जानकारी क्या है कि ये ब्लैक बॉडी क्या करेगा, ये ब्लैक बॉडी एमिशन भी करेगा, ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्शन भी करेगा। दैट्स दैट वी नो, एमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों करेगा बॉडी। ब्लैक बॉडी में जो अच्छे ज्यादा एमिट करेगा ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, खैर ठीक है। अब ब्लैक बॉडी एमिशन एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अब हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर जब एमिशन करेगा तो ये एनर्जी होगा कैसा, ठीक है? तो अब ये एनर्जी जो एमिट करेगा वो किस तरह का एनर्जी एमिट करेगा, इसको समझने के लिए अपने को 2-3 पॉइंट समझने की जरूरत है, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि जनरली अब ब्लैक बॉडी emits radiation at certain temperature of all possible wavelengths, for all possible wavelengths,
बच्चों बड़ी बात कह रहा हूं कि जो हीट एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड बच्चों, फ्लाइट मोड में डाल देता हूं। हाँ तो बच्चों ब्लैक, सबसे बड़ी बात जो है हमारे कि एक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगा किस टेम्परेचर पे, वो हर पॉसिबल वेवलेंथ का एमिट करेगा, इट विल बी ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो एमिट हीट रेडिएट होगा वो हर रेंज के वेवलेंथ का होगा। तो हमने सोचा कि अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा होगा। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया कि कुछ एक ग्राफ बनाने की कोशिश किया हमने, और वो ग्राफ कुछ इस तरह का था। मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, इट विल बी थोड़ा वो आपको क्लैरिटी देगा। बच्चों ये ग्राफ है, ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ है, तो हमने क्या लिखा, ये हमने लिख दिया ई, ई बोले तो एनर्जी, और ये लिख दिया वेवलेंथ। हमने बोला कि चलो भाई ये ब्लैक बॉडी जो है ना एनर्जी एमिट करेगा, और हर वेवलेंथ का एनर्जी एमिट करेगा, तो किस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा एमिट करेगा और किस वेवलेंथ की एनर्जी कम एमिट करेगा, इसको देखने के लिए हमने ग्राफ बनाया। ठीक, ये ग्राफ जो हमने देखा, तो हमने देखा कि ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ है ई और वेवलेंथ का, अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और विद वेवलेंथ। तो हमने गौर से देखा कि एट सर्टेन टेम्परेचर, एट टी केल्विन, हम बात कर रहे हैं किस पे, एट टी केल्विन, किसी टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ग्राफ में आपको एक सर्टेन ऐसा वेवलेंथ है जहां पे आपको एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, इसको कहते हैं लैम्डा मैक्स। क्लियर है, ये वो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी, एनर्जी विद मैक्सिमम वेव, या कह सकते हैं हम लोग मैक्सिमम एनर्जी विद द वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी विद द वेवलेंथ, मैक्सिमम एनर्जी विद द वेवलेंथ। तो बच्चों एक बात क्या समझ में आई कि जो रेडिएशन निकलता है किसी ब्लैक बॉडी छोड़ना, कोई बॉडी ले लो, कोई बॉडी ले लो, जो रेडिएशन एमिट होता है वो खाली ऐसा नहीं होता कि 4000 नैनोमीटर का, 3000 नैनोमीटर के वेवलेंथ का होता है, वो रेडिएशन हर पॉसिबल वेवलेंथ का एमिट होगा, हर पॉसिबल वेवलेंथ का। तो हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की कि आखिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट हो रहा है वो किस वेवलेंथ पे ज्यादा हो रहा है और किस वेवलेंथ पे कम हो रहा है। हर वेवलेंथ का एनर्जी एमिट जरूर होगा, कम का भी और ज्यादा का भी, लेकिन सबसे ज्यादा किस वेवलेंथ का एमिट होगा। तो हमने इसको निकाला कि ये क्या हो रहा है, एक लैम्डा मैक्स हमारा आ रहा है, जिसको लैम्डा एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही है एक ब्लैक बॉडी के एमिशन की, एमिशन का तरीका। राहुल है हैंड रेज किया, राहुल बोलो। सर वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो सर एनर्जी मैक्सिमम होगा, एक बार फिर से पूछोगे क्या? सर वेवलेंथ जहां मैक्सिमम होगा ये ग्राफ पर, तो एनर्जी भी सर मैक्सिमम होगा। मैं आपको राहुल समझाता हूँ, ये थोड़ा आपसे समझा नहीं आपने। राहुल मैंने ऐसे बोला कि मान लो 10 जूल एनर्जी निकल रही है, ठीक राहुल 10 जूल एनर्जी निकल रही है, मैं कह रहा हूँ 1 जूल निकल रहा है 1 नैनोमीटर पे, 2 जूल निकल रहा है 2 नैनोमीटर पे, 4 जूल निकल रहा है 6 नैनोमीटर पे, और 1 जूल फिर से निकल रहा है 2 नैनोमीटर पे। तो मैं ऐसा कहूंगा ना कि 6 नैनोमीटर पे जो एनर्जी निकल रही है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा निकल रही है वेवलेंथ पे, 6 नैनोमीटर वेवलेंथ का जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरा राहुल सिर्फ इतना पॉइंट समझा रहा, मैं एडमिट कर रहा हूं आपको कि ये लैम्डा एम जो है वो बता रहा है कि इस वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर राहुल? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो मतलब ये प्रूव हो गया कि वेवलेंथ तो सब होगा, एनर्जी एमिट हो रहा है हमको पता था, अब एनर्जी एमिट कैसा हो रहा है, तो हर वेवलेंथ का एमिट हो रहा है। अब हर वेवलेंथ का एनर्जी एमिट हो रहा है तो किस वेवलेंथ का ज्यादा होगा, ये होगा, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, लैम्डा एम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? तो बच्चों इसी से अपना टॉपिक निकल के आता है, वो आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आई होप सबने लिख लिया होगा, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से इसको लिख लें एक बार।
सो अर्पिता एडमिट करने को बोल रहे हो, अर्पिता एडमिट कर रहा हूँ, बोलिए। आपने बोला कि ये जो ग्राफ में ये जो इसका पीक है वहां पे एनर्जी इसका मैक्सिमम रहेगा एट द पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल। अभी तो मैं एडिट कर रहा हूं थोड़ा सा लाइन को, ठीक है। मैं ये नहीं कहा कि एनर्जी मैक्सिमम, मैंने कहा इस वेवलेंथ का एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगा, फर्क है, ठीक है, बोलिए। हां तो वहां नीचे आपको लैम्डा मैक्स लिखना चाहिए। क्या क्या फिर से पूछिए क्या? हाँ तो मतलब कि ये जो इस ग्राफ में ये जो इसका पीक है वहां पे एनर्जी इसका मैक्सिमम हो जाएगा ना इस वेवलेंथ पे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। हाँ तो नीचे आपको लैम्डा मैक्स एनर्जी मैक्स नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये वो लैम्डा है जिसमें एनर्जी मैक्स मिलेगा, इसका नाम लैम्डा मैक्स देते हैं। नाम दिया है, नाम तो हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। राहुल आपका हैंड रेज अभी भी, आई थिंक आपने पुराना वाला ही पहले से ही रेज था आपका। चलो बच्चों लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स गो अहेड और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। अभी हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा, जो पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करना है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक बार ग्राफ बना दूंगा, टेक अ सेकेंड एंड मैं ग्राफ को दोबारा बना देता हूं क्योंकि हम ग्राफ को फिर से यूज करने वाले हैं। ठीक है तो ग्राफ पहले ग्राफ बना देता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। तो सबसे पहले ई ग्राफ तो बता ही दिया अभी आकांक्षा, ठीक आप थे ध्यान दियो, ई और वेवलेंथ ग्राफ, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए मेरा ग्राफ कैसा आया था, मेरा ग्राफ एक सर्टेन टेम्परेचर पे आया था, ठीक है। ये मेरा क्या था, ये मेरा था सर्टेन T1 केल्विन पे, ये मेरा क्या था T1 केल्विन पे, ठीक है। ये मेरा ग्राफ था, ये क्या कहता है, एनर्जी हर वेवलेंथ का एनर्जी अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ऐसा वेवलेंथ है, जहां पे एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम रिलीज होगा, इसको कह सकते हैं लैम्डा वन, ठीक है। T1 टेम्परेचर के लिए लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा वन हो गया, क्लियर। तो हमने क्या देखा कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक ऐसा वेवलेंथ होता है जहां पे एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होती है, क्लियर। अब हमने क्या देखा कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ग्राफ में कैसे चेंज आएगा, मान लीजिए अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ग्राफ में चेंज कैसे आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। ये हमारा अब दूसरा ग्राफ बना है, दूसरा ग्राफ कितने टेम्परेचर पे है, दूसरा ग्राफ है T2 केल्विन पे। और मैं बच्चों पहले ही कह दूं कि ये जो टेम्परेचर T2 है, बाद वाला टेम्परेचर है, वो पहले वाले टेम्परेचर से ज्यादा है। तो आप बच्चों गौर से देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो आपका ग्राफ है हल्का थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट किया है, यानी जो आपका टेम्परेचर बढ़ा है तो वेवलेंथ जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलनी थी वो कम हो गया है आपका। एक बात तो तय हो गई कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ग्राफ बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो वेवलेंथ जिसपे एनर्जी मैक्सिमम मिलनी है वो घट रहा है अपने को। तो इसी को वीन्स ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा, और वीन्स ने कहा कि जो वेवलेंथ है विद मैक्सिमम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहीं से लॉ आया कि जो लैम्डा है इज इक्वल टू बी बाई टी, वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। बी को कहते हैं वीन्स कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.9 × 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन, मिली केल्विन नहीं, मीटर इंटू केल्विन, क्लियर है।
तो याद रखिएगा हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ में बैकवर्ड शिफ्ट होगा और वेवलेंथ घट जाएगा विद मैक्सिमम एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा बी अपॉन टी, क्लियर है? बी अपॉन टी वे टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। याद रखना टी जो होता है वो हमेशा केल्विन में होता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है। बी का वैल्यू मैंने आपको दे दिया, ये हमारा है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्लियर है? हमारा फर्ज बनता है कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, जल्दी से इसको लिख लो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जब आज जाओ तो पूरा का पूरा, अंजलि ने कहा कि पर केल्विन होगा, केल्विन ही तो लिखा है अंजलि, मैंने केल्विन ही तो लिखा है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, डन। बच्चों इस फॉर्मूले को लिखिए, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ रिलेशन देता है वेवलेंथ जिस पे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी और टेम्परेचर के बीच। विवांशु अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलो विवांशु। सर वहां पे ऊपर भी केल्विन है नीचे भी केल्विन है तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? कैसे बाबू? वहां पे बी में आप बोले हैं मीटर इनटू केल्विन यूनिट और नीचे भी टेम्परेचर केल्विन, केल्विन कट जाएगा क्या बचेगा? मीटर बचेगा। यस सर, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। हो गया, जल्दी लिख लो, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा। इजी क्वेश्चंस होते हैं इस पे, बेसिक फॉर्मूला थोड़ा याद रहे बस खाली। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, I hope it's very easy question, आपसे तुरंत बन जाएगा। जो ये क्वेश्चन बनना चाहिए, दम नहीं है। तेरा सही आंसर आया अभी तक, वन मोर, वेरी गुड, 15-16 पीपल हैव रिस्पॉन्डेड करेक्टली, 10 लोगों ने गलत भी रिस्पॉन्ड किया है। सही है आंसर अनामिका, अनामिका ये 3/4 और 4:3 में आप कंफ्यूज हो रहे हो सब लोग, ध्यान दो थोड़ा सा। नहीं 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 खुशबू गलत है, खुशबू गलत है। मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो मैं लिखूंगा *1 और दूसरा लिखूंगा *2, और मैं मेहनत करके लिखूंगा *1 के लिए लिखूंगा λ1 इक्वल्स टू B/T1, स्टार 2 के लिखूंगा λ2 इक्वल्स टू B/T2, λ1/λ2 जो होगा, λ2 जो होगा वो होगा T2/T1,
लैम्डा वन बाई लैम्डा टू तो पता ही है कितना होगा, 3600 बाई 4800 4800। तो क्या हो जाएगा टी टू बाई टी वन 3/4। कई लोग रेशियो ध्यान नहीं दे रहे, आपको टी वन बाई टी टू चाहिए, आपको टी वन बाई टी टू चाहिए तो कितना हो जाएगा 4:3। आपको कार्तिक ठीक है, कई लोग ना गलती बेवजह कर रहे हो, 3:4 में गलती कर रहे हो, आपको टी वन बाई टी टू चाहिए क्वेश्चन में। टी वन बाई टी टू के लिए क्या करना पड़ेगा, 4:3। क्लियर है? तो ये बेकार में गलती हुआ है, नहीं ठीक है, सबका सही है अब आंसर। तो लेट्स क्लोज दिस, ठीक है बच्चों में क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन कुछ लिखना है पूछना है पूछ लो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन गो अहेड। Again easy question. I hope सब लोग जल्दी से respond कर दोगे। Let's not take time in this. तीन ही answer आए अभी तक। बिल्कुल सही है, 11 आंसर आए अभी तक, 11 सही है, वेरी गुड। इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है नहीं इसमें। अभी अभी हमने रेशियो भी देख लिया कैसे निकालते हैं, अपने को वेवलेंथ 1 बाय वेवलेंथ 2 चाहिए, वेवलेंथ 1 बाय वेवलेंथ 2 चाहिए सीधा सीधा। नहीं रितु गलत है, अभी तक 22 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इसमें 20 का सही है, 25 में से 23 सबका सही है, पुलकित अंशु सबका सही है। लैम्डा वन बाई लैम्डा टू कोई भी लिखे तो मैं तो सीधा लिख दूंगा टी टू बाई टी वन, उल्टा इनवर्सली है ना, तो उल्टा टी टू बाई टी वन कर लो। कितना अभी तक 26 लोगों ने सही रिस्पॉन्ड किया है, सही है रियांशु अमृता सबका सही है, तो ठीक है हो गया। तो क्या सीधे सीधे इसको नहीं लिख सकते हैं टी टू बाई टी वन 3000/2000। एग्जाम में जब यही क्वेश्चन आता है ना तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि फॉर्मूला ही याद नहीं रहता हमको, इस फॉर्मूले को याद रखना खाली। एग्जाम में ये क्वेश्चन ईजी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है, ये छोटा फॉर्मूला याद रखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप बच्चों दैट्स इट एंड, ये हो चुका, समझ में आ चुका सबको। रागला कर लो, तो रागले वाले में मेहनत कर लो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा मेहनत कर लो। ये नंबर में अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं यहां पे 11 × 10⁻⁵ cm। ये है 5.5। अगेन इजी क्वेश्चन, कहानी बहुत लंबी है पर कहानी का सार बहुत छोटा है। तो मैं आज बाहर हुआ और मैं एक पावर कट फेस कर रहा हूं, तो मेरे सारे सिस्टम के बैटरी हार्डली 1% बच रहे, तो दिस वुड माइट बी द लास्ट क्वेश्चन, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई माइट नॉट कंटिन्यू आफ्टर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल फालतू फालतू सवाल है ये बच्चों, बिल्कुल फालतू सवाल है। बिल्कुल सही, मेजॉरिटी गोइंग राइट वे। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। गुड, वेरी गुड।
8 out of 11 have replied correctly. Sir, confused करने के लिए question दिया है. एक में टेम्परेचर टी केल्विन लेना है, दूसरे में एन टाइम्स टी केल्विन लेना है. पहले वाले का लैम्डा है 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, दूसरे वाले का है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. सबको पता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल्स टू टी 2 बाई टी 1. सबको उल्टा रेशियो पता है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो जाएगा. बिल्कुल सही है, 80% ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली. वेरी गुड, एक्सेलेंट, 80% ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली. अच्छा, दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही. लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस नोट. माय लैपटॉप इज शटिंग डाउन. ठीक है, ब्लैक होल इज अ गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज गुड एमिटर मृगान, इट हैज बोथ क्वालिटीज. अगले क्लास में इसको लेके आएंगे. माय लैपटॉप इज टर्निंग ऑफ. ठीक है, बट सिंपल प्रीवोस थ्योरी कहता है कि गुड किरचॉफ्स लॉ कहता है कि गुड एमिटर इज ऑलवेज अ गुड एब्जॉर्बर. ब्लैक बॉडी खासियत क्या होती है, किसके बारे में एक प्रॉपर्टी होती है कि